माँ शारदा को कोटि कोटि नमन। कल हमने चर्चा की थी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, जिसके बारे में अक्षांश एवं देशांतरी के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे, आज इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, भारत के साथ कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में साझा करते हैं, और टोटल कितने देश है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ वो बॉर्डर साझा करते हैं, और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा एवं कर्क रेखा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कर्क रेखा की चर्चा करेंगे। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज राज्य कौन से है इस मैप में दर्शाएंगे। साथ में ये मैप भी बना लो, जिसको समझने में ये आसानी से रहेगी। ये भारत के यहाँ से ये यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? गुजरात आएगा। गुजरात के बाद में कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। इसमें विशेष ध्यान रखना, इसके बारे में जो प्रश्न पूछेगा तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन दे देगा आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो यूपी का विशेष कर ध्यान रखना, यूपी से नहीं गुजरती है। एक इधर से ये मिजोरम है और मणिपुर यहाँ पर है और मिजोरम यहीं पर है। तो ये मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। इन दोनों को विशेष कर ध्यान रखना, क्यों ज्यादातर सवाल जो पूछे हैं वो इनके बारे में पूछे हैं, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन या तो ये दे देगा या ये दे देगा। जो मणिपुर है यहाँ से गुजरती है, और मिजोरम है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसके बाद में ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद में ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में छत्तीसगढ़ है, और यहीं पर झारखंड है। ये टोटल 8 राज्य हो गए हैं। तो कौन से है? पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, राजस्थान के बाद में ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, और 8वें नंबर पे मिजोरम है। ठीक है, इन राज्य से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। फिर बाद में बात की थी 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, ये किन राज्य से होकर गुजरती है,
ये सारा बीएससी डिग्री यहां से होकर गुजरती है, ये पूरी देशांतर, पूरी देशांतर इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पूर्व में स्थित है, इस कारण से यह पूर्वी देशांतर है। इसके बाद में ये यूपी से होकर गुजरती है, एमपी से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश है, यहीं पर उड़ीसा है। इन पांच राज्यों से होकर यह 85 डिग्री रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, यूपी, दूसरे नंबर पे एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें से ये प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, तो निम्नलिखित में से ये 85 डिग्री किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें से एक हटके अलग कोई ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको छत्तीसगढ़ की जगह ये तीन का ऑप्शन ऊपर वाले दे देंगे और एक त्रिपुरा दे देगा। तो किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा से होकर ये नहीं गुजरती है। 85 डिग्री पूर्वी देशांतर जो ये रेखा गुजरती है, राज्य से होकर गुजरती है। जो बाकी वाला अगर कोई राज्य दे रहा है तो इनमें से वो गलत हो जाएगा। तो कल चर्चा की थी हमने जंगी और स्थलीय, जलीय और स्थलीय सीमा की कल बात की थी। तो इसमें से स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी बताई थी और जलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी बताई थी, तो जलीय सीमा की लंबाई बताई थी 7,516.6 किलोमीटर बताई थी, और स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल बताई थी 15,200 किलोमीटर बताई थी। तो टोटल मिला के इन सीमाओं का, जिसमें से जलीय सीमा और स्थलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है, कितने राज्य स्थित है, जलीय और स्थलीय सीमा की टोटल मिला कितने राज्य होते हैं, जिसमें से टोटल कितने राज्य होते हैं जलीय और स्थलीय सीमा के मिला के, सीमा पर राज्य तेवीस है, कितने है 23, टोटल राज्य कितने है 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो इसमें से जलीय सीमा पर और स्थलीय सीमा पर टोटल 23 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से जो जलीय और स्थलीय सीमा में कितने राज्य कम पड़ रहे हैं, तो वो जलीय और स्थलीय सीमा की टोटल मिला के 23 तो हो गए हैं, लेकिन बाकी वाले राज्य पांच राज्य कौन से हैं, पांच राज्य जो अतिरिक्त सीमा के साथ अंदर का भाग होता है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में साझा नहीं करता है, तो ये टोटल 23 राज्य है।
इनको इस मैप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो पहले राज्य से स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात के साथ जिसमें से जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है, एक ऐसा राज्य है वेस्ट बंगाल। ये सेम कंडीशन में है, जलीय भी सीमा लगती है और स्थलीय भी लगती है, दोनों की सीमा साझा करता है। एक तो गुजरात है, एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में यहां से ये जलीय सीमा स्टार्ट होती है, ये जलीय सीमा ऊपर वाला भाग यहां से ये स्थलीय सीमा का। ठीक है, तो पहले राज्य गुजरात है, इसके बाद में राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, इधर ये लद्दाख है, लद्दाख के बाद में यहीं पे हिमाचल है, यहीं पर उत्तराखंड है, इसके बाद में यहीं पर यूपी है, एमपी है। एमपी कौन सा हो गया, ये किसी देश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। फिर यहीं पर बिहार है, बिहार के बाद में यहीं पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद में यहीं पर अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहीं पर मेघालय है, इधर का भाग यहां पर असम है, यहीं पर उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में यहीं पर आंध्र प्रदेश है, इधर ये महाराष्ट्र का है, इधर गोवा का भाग है, इधर कर्नाटक का है, इधर केरल का है, इधर तमिलनाडु है, अतिरिक्त है वो तेलंगाना है, इसके बाद में यहाँ पर हरियाणा है, एक हरियाणा हो गया, दो नंबर एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, बाकी वाले राज्य इधर दो राज्य है, झारखंड है और यहीं पर छत्तीसगढ़, तीन चार पांच राज्य है इसमें से। तो ये पहला कौन सा है, उत्तर में हरियाणा, हरियाणा के बाद में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड के बाद में तेलंगाना है। ये ऐसे राज्य है, ये अतिरिक्त राज्य है, न इनके साथ में कोई अदर कंट्री की सीमा लगती है, न स्थल के साथ है, न जलीय के साथ में। और बाकी वाले ये 23 राज्य है, ये स्थल और जलीय की सीमा बनाते हैं।
ठीक है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो किनके साथ में है, तो भारत के साथ में कौन सा देश है और किन राज्य से सीमा लगती है, इनके बारे में अगला टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो एक नाम दो अंतरराष्ट्रीय पर स्थित राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडिया का मैप है, एक एक देश के बारे में बताऊंगा, जो भारत के साथ में कौन कौन से देश सीमा बनाता है उनके बारे में कब विभाजन हुआ था इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन कौन से राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश इनके साथ में कौन सी सीमा बनाता है इनके बारे में बताएंगे। तो पहला पाकिस्तान लेंगे, इसके बाद में ये चीन है, चीन के बाद में नेपाल है, नेपाल के बाद में भूटान है, भूटान के बाद में म्यांमार है, म्यांमार के बाद में बांग्लादेश है। इन देश के साथ में कौन सा राज्य है और कितना किलोमीटर दूरी पर है, टोटल कितनी लंबाई है इनकी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले राज्य कौन सा है जो पाकिस्तान देश है, इनके साथ में कौन से राज्य है और सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ में कौन सा राज्य है, गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में पंजाब है, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद में लद्दाख है। ठीक है, इनके साथ में ये सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान की टोटल सीमा की टोटल कितनी लंबाई है, तो यहाँ पर विस्तारित रूप से लिख लेंगे, पाकिस्तान पहले हेडिंग डाल दो, इनकी टोटल लंबाई कितनी है, इनका विभाजन कब हुआ था, और कितने राज्य है इसमें, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जब ये इसके बारे में प्रश्न पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा स्थित है, तो इनका नाम हो जाएगा रेड किले। इनका विभाजन कब हुआ था, तो विभाजन हुआ था 1947 में। तो इसकी टोटल लंबाई 3,023 किलोमीटर है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख और जम्मू कश्मीर टोटल यहाँ से लगाकर यहाँ तक इनकी लंबाई है 3,023 किलोमीटर है। विभाजन कब हुआ था, 1947 कब हुआ था, 1947 में। इसमें से जो एक तो पाकिस्तान का हुआ था, इनके साथ में ये बांग्लादेश का हुआ था, बांग्लादेश का भी 1947 में हुआ था और पाकिस्तान का भी 1947 में हुआ था। जो पाकिस्तान है 1947 में हुआ था, ये पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों ही अलग अलग कंट्रीज थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1947 में हुआ था, तो ये विभाजन किया किसने था, सर रेड किलिप ने किया।
इंद्रेखा का नाम है रेडक्लिफ। कौन से राज्य है? तो राज्य बताए थे आपको, गुजरात है। गुजरात के बाद में राजस्थान है, बाद में पंजाब है। तो इसमें से ये प्रश्न पूछेगा, तो निम्नलिखित में से पाकिस्तान के साथ में कौन सा राज्य सीमा नहीं साझा करता है? तो कौन सा राज्य होगा? इसमें ऑप्शन ये तीन दे देगा और एक हरियाणा दे देगा। तो हरियाणा पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं लगती है, तो वो ऑप्शन हरियाणा गलत हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। ठीक है, इसके आगे वाला जो देश है ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये किससे सीमा लगती है? एक जम्मू कश्मीर से और एक लद्दाख से। तो इन्हें सीमा जो भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को जो अलग करती है उनका नाम दुरंड रेखा है। जो भारत और पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी अलग करती है, ये दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इनका विभाजन कब हुआ था? इनका विभाजन हुआ था 1894। ठीक है, जहां पर लिख दो आप अफगानिस्तान, यानी कि टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई 106 किलोमीटर है और विभाजन कब हुआ था? 1894 में हुआ था। रेखा का मान क्या है? दुरंड रेखा। इसके बाद में एक इसके साथ में सीधा सीमा बनाता है, तो ये सीमा एक तो जम्मू कश्मीर से है और दूसरी लद्दाख के साथ में। ठीक है, इसके बाद में अफगानिस्तान, बाद में चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का सातवां स्थान। तो प्रथम स्थान चीन है, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे चीन, कनाडा, इसके बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में प्रथम स्थान पे, सॉरी ये चीन नहीं है,
ये पहले स्थान पे रूस है, इसके बाद में ये कनाडा है, इसके बाद में ये चीन है, ठीक है, इसके बाद में चीन के बाद में यूएसए है, यूएसए के बाद में भारत का स्थान सातवां है, ठीक है। अब चीन की सीमा के बारे में बात करेंगे तो इनकी टोटल लंबाई कितनी है, इनका विभाजन कब हुआ था, तो इनका विभाजन 1914 में हुआ था। इनकी रेखा भारत और चीन के साथ को विभाजन करती है, उन रेखा का नाम क्या है, तो मैकोन रेखा है, और कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाती है, ये भारत का तीसरा है, सातवें स्थान है और चीन का तीसरा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रथम स्थान पर रूस है और सातवें स्थान पर भारत है, ठीक है। चीन तीसरे पे, रूस प्रथम पे, भारत सातवें पे, छह ऑस्ट्रेलिया, चीन के साथ। एक तो लद्दाख है, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल है, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम है, सिक्किम के बाद में कौन सा राज्य है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहीं पर आप हेडिंग डाल दो चीन। इनकी टोटल लंबाई कितनी है और विभाजन कब हुआ था, बताया था अभी, तो इनकी टोटल लंबाई कितनी है, 3400। टोटल कितनी लंबाई है इनकी, 3488 किलोमीटर है। विभाजन कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। चीन के साथ में कौन से राज्य है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश लिख देते हैं पहले, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसके बाद में राज्य कितने राज्य है, तो पहले हिमाचल है, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम है, सिक्किम के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। टोटल कितने राज्य है, चार है। क्या आप लिख लो, इसके बाद में
चीन के बाद में टोटल तो 3 देशों की बात हो गई है। चीन के बाद में ये नेपाल की सीमा है, यहीं पर भूटान की है, यहीं पर म्यांमार की है, यहीं पर बांग्लादेश की है। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा यहीं पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। बाद में यूपी, एमपी और बिहार। इसके बाद में नेपाल यहाँ पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। यहीं पर कौन सा है? यूपी। यूपी के बाद में यहीं पर सिक्किम राज्य। सिक्किम के बाद में यहीं पर वेस्ट बंगाल है। इनके साथ में यह सीमा बताता है बिहार। ठीक है, कितने राज्य है? टोटल 5 राज्य। टोटल कितने हैं? 5 राज्य। कौन सा है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके आगे वाला कौन सा देश है? यही पर भूटान है। ठीक है, ये लिख लो आप। यही पर भूटान है। भूटान के साथ में नेपाल की टोटल लंबाई थी 1751 किलोमीटर। एक लाइन और लिख देना। नेपाल भारत के साथ में जो 5 राज्य स्थित है इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। इसके बाद में अगली वाली हड्डी जो आप भूटान डाल लो। भूटान किन किन राज्यों की सीमा लगती है? एक तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद में वेस्ट बंगाल है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, यही पर असम है। इनकी टोटल 4 राज्यों से सीमा लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कुल लंबाई कितनी है इनकी? 700 किलोमीटर है। पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। दूसरा वेस्ट बंगाल है। तीसरा असम है
और चार नंबर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में ये व्यापार आ जाता है। तो मेरे बाद यहां पर स्थित है मेरा बात, टोटल लंबाई कितनी है 1643 किलोमीटर। कौन से राज्य स्थित है? तो यही पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यही पर कौन सा है? आगल है। आगल के बाद में मिजोरम, मणिपुर। तो मेवाड़ है, कुल लंबाई कितनी है इनकी? 1643 किलोमीटर है। कौन से राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर नागालैंड है। मणिपुर है। और चार नंबर पे मिजोरम है। इसके आगे वाला कौन सा राज्य है? जो बांग्लादेश है। किन देश के साथ में और कितने राज्य है टोटल, इनके साथ में सीमा बनाते हैं? तो कौन कौन से राज्य है यहाँ पर? बांग्लादेश यही पर स्थित है। कौन से राज्य है इनके साथ में? एक तो वेस्ट बंगाल है, एक कौन सा है? मेघालय है। मेघालय के बाद में ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम है। ठीक है, तो इनकी बांग्लादेश की टोटल लंबाई कितनी है? और सीमा का निर्धारण, कुल राज्य ठीक है, टोटल की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया। कौन से राज्य है जिसमें वेस्ट बंगाल है और मेघालय है? मेघालय के बाद में त्रिपुरा है और मिजोरम है। और असम भी है। इनकी ये मेघालय यहीं पर स्थित है। एक बार है थोड़ा मैं बड़ा बनाता ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से।
ये वेस्ट बंगाल की लगती है। इसके बाद में इधर वाला ऐसा है जो असम का लगता है। असम के बाद में यहीं पर मेघालय है। मेघालय के बाद में यहीं पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा का हिस्सा यहाँ पर है, ये सीमा यहाँ से लगती है। तो इसके बाद में ये कौन सा राज्य है जो मिजोरम है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भारत की स्थिति व्यवस्था का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। कल आपको भू आकृति प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से ऊंचावचीय के आधार पर पर्वतीय, पठारीय, मैदान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पर खत्म करते हैं, कल नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।